साल 1994 में हॉलीवुड की एक सुपर डुपर हिट फिल्म आई थी जिसका नाम था द शॉशैंक रिडेम्पशन। इस फिल्म का एक मशहूर डायलॉग था, होप इज अ गुड थिंग, मे बी द बेस्ट ऑफ थिंग्स। इसका मतलब है कि उम्मीद से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। चमोली आपदा में संकट में फंसी जिंदगियों के लिए अब उम्मीद ही सबसे बड़ी रोशनी है। सुरंग में फंसी 35 जानों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन इसमें अड़चनें बहुत आ रही हैं। पूरा हिंदुस्तान उम्मीद के दम पर यह दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द ऑपरेशन टनल पूरा हो। ऑपरेशन टनल के बीच इस मंजर ने पूरे हिंदुस्तान को डरा दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच में ही ऋषि गंगा नदी का गुस्सा जाग गया और अचानक से सैलाब के हालात बन गए। पानी इतना ज्यादा जमा हो गया था कि राहत बचाव कार्य में लगे जवानों के साथ भारी भरकम मशीनों को भी वहां से हटाना पड़ा। तकरीबन आधे घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन रुका रहा, लेकिन जब ऋषि गंगा नदी का क्रोध शांत हुआ तब ऑपरेशन टनल फिर से शुरू कर दिया गया। दिन में तकरीबन 2 बजे की बात है। अब देखिए, पानी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो दूसरी तरफ का पानी है वो धौली गंगा का पानी है, बिल्कुल साफ, बिल्कुल क्लीन। लेकिन उसके ठीक बाईं तरफ, दाहिनी तरफ जो नदी है वो जो है ऋषि गंगा है, जिसमें कि गाद जमा हुआ है और वो पानी धीरे धीरे बहुत तेजी से बह रहा है। ये वो पानी है जिसमें अब से थोड़ी देर पहले बताया जा रहा है कि ऊपर से अचानक से कुछ हलचल हुई और हलचल के बाद बड़ी तादाद में पानी, वाटर डिस्चार्ज होना शुरू हुआ। आइए यहाँ पे आम लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। एक बात बताएं भाई साहब, यहाँ पे कैसे कैसे क्या हुआ, मतलब 2 बजे के आसपास की बात करना है? जी देखिए, हम लगातार ऊपर जो आगे लास्ट स्पॉट है वहाँ पर हम लोगों ने अपना राहत शिविर लगाया हुआ है और हम लोग काम कर रहे हैं। अचानक प्रशासन की टीम आगे से आती है और कहने लगती है कि पानी बढ़ गया और भागने लग जाओ। पूरा काम कुम बंद करवाई गया, मशीनें दोनों साइड की पीछे करवाई गई और लगभग तकरीबन 1.5 घंटा सब लोगों को पीछे रखा गया। और उसके बाद कहा गया कि ये पानी मतलब एकदम से बहुत धीरे धीरे बढ़ने लग गया। तब से लेकर अब तक ये पानी की स्थिति सेम है और फिलहाल काम भी चालू कर दिया गया। 7 फरवरी से इस सुरंग के अंदर तकरीबन 35 लोग फंसे हैं। वो किस हाल में है ये कोई नहीं जानता। इस आपदा में उनके साथ क्या हुआ ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन सबको विश्वास है कि बहुत जल्द ऑपरेशन टनल पूरा होगा और सुरंग के अंदर फंसा हर शख्स सही सलामत बाहर निकलेगा। और ये उम्मीद यूं ही नहीं है, इस देश में, इस दुनिया में कई बार ऐसे चमत्कार हुए हैं जब इंसानों के दृढ़ निश्चय के आगे नियति ने भी हार मानी है और ऑपरेशन टनल की कामयाबी भी इसी उम्मीद पर टिकी हुई। तारीख 5 अगस्त 2010, जगह अटाकामा रेगिस्तान, चिली। सैन जोई की कॉपर गोल्ड माइन का एक हिस्सा अचानक टूट गया। जमीन से 700 मीटर नीचे 33 आदमी फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत मुश्किल था क्योंकि जहां ये 33 लोग फंसे थे वो जगह खान के एंट्रेंस गेट से 5 किलोमीटर दूर थी। चिली की सरकार ने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदारी ली। रिकॉर्ड तोड़ रेस्क्यू ऑपरेशन चला। 17 दिनों बाद रेस्क्यू टीम को खदान के अंदर एक पर्चा मिला जिस पर लिखा था कि हम सभी लोग शेल्टर में और सभी सुरक्षित हैं। इसके बाद तो नासा भी रेस्क्यू ऑपरेशन में उतर गई। 53 लाख लोग लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहे थे। पूरे 69 दिन बाद सभी 33 लोगों को बाहर निकाला गया। इंसान की जिद और जुनून जीत गई और चमत्कार हो गया। अब ऐसा ही चमत्कार चमोली में होने वाला है। मौत को मात देकर 35 लोग बाहर निकलेंगे, ये पूरा देश दुआ कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।